बन गए खाली पकड़ लो। वीडियो देखी आपने, कितना मजा आ रहा है इस वीडियो को पूरी देखो और मैं मिलता हूँ आपको पीछे। हेलो दोस्तों, कैसे हो? जैसे आप लोगों को पता है हम अभी चाइना के अंदर है। इंडिया से हम काफी सारे लोग आए हुए हैं, हम तकरीबन 7-8 लोग आए हुए हैं इंडिया से। जैसे ये है अपने बसारत भाई, जहीर भाई है, नारंद भाई है और अली भाई वगैरह भी है, अली भाई है। तो ये इवेंट चल रहा है, इवेंट का ये फर्स्ट डे है, लेकिन यहाँ पर एक अभी कंपटीशन रखा हुआ है। इवेंट के अंदर आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूँ कि इंडिया की तरफ से सिर्फ अकेला मैं हूँ, जो हमारी टीम की तरफ से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इंडिया को। तो हमने भी इधर एक कंपटीशन है सबसे फास्टेस्ट सीपीयू करने का, तो उसके अंदर से मैंने भी इसके अंदर अचानक से बस इन्विटेशन आ गया तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया। और मैं अभी थोड़ी देर के बाद एक कॉम्पिटिशन स्टार्ट होगा सबसे फास्टेस्ट सीपीयू का, वो पता नहीं कौन सा सीपीयू देंगे, कोई भी सीपीयू देंगे, उसके अंदर करके दिखाना है जितने भी कॉम्पिटिटर्स रहेंगे उनसे सबसे फास्ट। ठीक है, तो बहुत सारी कंट्रीज के लोग हैं, चाइना के लोग मैक्सिमम लोग हैं, इंडिया से कोई नहीं है। और आज तक इंडिया से कोई भी कॉम्पिटिशन एक्सेप्ट नहीं किया है, ना ही कॉम्पिटिशन में उन्होंने हिस्सा लिया हुआ है। लेकिन इस बार हम आए थे, मैं भी चाइना फर्स्ट टाइम आया हुआ था, तो मैंने सोचा कि चलो अभी आए हुए है तो इतना अच्छा मौका जो इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए है वो गवाना नहीं चाहिए। बन गए खाली पकड़ लो। ये लो भाई, आपका ही फोन है। देखियो भाइयों, सबको क्या कहना है, देखो चाइना के अंदर चाइनीज से पहले सीपीयू रिवॉल्व करके हमने दिखाया, अभी सारे चाइनीज बेचारे लगे हुए रेस के अंदर। ये देखो इसने कंपटीशन में भाई फोटो। ओके कम थैंक यू सो मच। 27 मिनट गुड अच्छा है। 27 मिनट पता नहीं, 27 मिनट चलो ठीक है, काम हुआ नहीं। देखो अभी टाइम अपना चालू है, हम लोग करेंगे तो हो जाएगा। ये लोग बेचारे अभी लाइन में खड़े हुए, आपके इंडिया से हसन पटेल ने सबसे पहले चाइना के अंदर सीपीयू रिवॉल्व करके दिखाया है 14 प्रो मैक्स का, अब ये बेचारे लगे हैं। अभी चाइना में चाइनीज लोगों का मजाक उड़ा रहे इंडियन लोग स्किल के लिए, थोड़ा हम लोग एंजॉय कर रहे हैं, देख रहे हैं। ठीक है, 1 लाख रुपीज की बात नहीं है, ये तो सिर्फ इंडिया की बात थी, मुझे 1 लाख रुपीज की बिल्कुल भी पड़ी नहीं थी। ठीक है, नहीं अभी 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 देखो हमने 1 लाख के लिए खेला ही नहीं है, पहली बात जी। हमें जीतने के लिए खेलना था, अभी तक किसी ने भी खेला ही नहीं था, मतलब जीता ही नहीं है, करा ही नहीं, सक्सेसफुली हम पहली बार, चार बार हो दूसरी बार, हाँ चार बार हो भाई। वो बीच वाला जो हसन भाई के बाजू जो बंदा बैठा हुआ था वो तो क्विट भी कर दिया, अच्छा वो क्विट कर दिया चला गया, वो जो लास्ट वाला बंदा था जो 4 बार बना चुका। और एक चीज देखो, और एक चीज मैं सारे काम करने वालों को कहना चाहूंगा, सब लोग बोल रहे टूल्स कौन सा यूज करना, कितना एयर कितना टेम्परेचर, मैंने आज जो टूल्स यूज किया था वो टूल्स मैंने आज तक कभी यूज नहीं किया, वो सिर्फ क्वानली और YCM कंपनीज का था। अब उसके अंदर क्या एयर है क्या हीट है वो कोई बात ही नहीं है, सारे फीलिंग्स का कमाल है,
आपका फीलिंग्स कितना है, चाहे कोई भी कंट्री के अंदर है, कोई भी जगह में आप बैठे हुए हैं, सारी आपकी फीलिंग्स की बात है, ठीक है। तो सब लोग इसमें कंफ्यूज ना रहे, बिंदास खुल के काम करे, अपनी फीलिंग्स को बोर्ड के साथ अटैच करे, उसी से काम होता है, ठीक है। चलिए गाइस, गुड बाय, थैंक यू सो मच, सबने इतना सपोर्ट किया, इतना दुआ किया, बहुत सारी आप लोगों को शुभकामनाएं, ठीक है, मिलते हैं फिर इंडिया में, मिलते हैं फिर, ठीक है भाई। देखिए आपने वीडियो कितनी अच्छी वीडियो, और ये बहुत बड़ी बात है कि चाइना में जाके और ये काम करके आना। अभी तक आप देखते होंगे कि जो चाइनीज टीचर थे, बहुत से भाई इंडिया बुलाते थे, फिर उनको उनसे हम काम सीखते थे या कुछ उनकी नॉलेज लेते थे, ऐसा कुछ करते थे हम अदर कंट्री के साथ में। भाई इंडिया के अंदर ना बहुत कुछ है, लेकिन लोग बाग समझते नहीं है इन चीज़ों को। तो देखो, हमें किसी से कुछ लेना देना नहीं है, और ना हम कुछ ऐसी बात कह रहे, सिंपल सी बात मैं आपको एक बता रहा हूँ, आप मेरे व्यूअर हो, मैं इस बात को इसलिए बता रहा हूँ आपको कि हमेशा ऐसे मत रोवा करो कि मेरे पे आता नहीं है काम, मैं सीख पाऊंगा नहीं, या मैंने करके देख लिया, कुछ नहीं किया आपने। भाई प्रैक्टिस करो, हैंड प्रैक्टिस करो, जब भी कुछ काम होगा, वरना कुछ नहीं होगा, ठीक है। अब देखो, वो बंदा इंडिया छोड़ के चाइना में जाके अदर उस पे बैच पे बैठ के वो काम कर रहा, उसने पूरा काम किया कि कैसे कैसे, यही है, नॉलेज होनी जरूरी है, और अपने आप को ना अच्छे तरीके से अपग्रेड करो, सब चीज़ के बारे में पता होना चाहिए, जब भी किसी चीज़ के बारे चैलेंज एक्सेप्ट कर सकते हो, वरना वैसे ही नहीं कर सकते। और ये बहुत बड़ी बात है कि अब चाइना के जो लोग हैं वो इंडिया में आके ट्रेनिंग लेंगे हमसे, ठीक है। तो ऐसे ही काम करो, और इंडिया का भी बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं जो उनको बहुत सारी नॉलेज है, फाइंड करो, देखो और काम करो अपना, ठीक है। ये मत करो कि मेरे पास ये नहीं है, ये नहीं है। और देखो, वो अदर कंट्री में जाके कैसा आयरन था, कैसी एसएमडी थी और कैसी माइक्रोस्कोप थी, कुछ नहीं पता उसको, और उसने वो चैलेंज एक्सेप्ट करके जीत भी लिया। कांग्रेचुलेशन भैया हसल पाटिल भाई, ऐसा ही करो और ऐसे ही झंडा गाड़ो चाइना में जाके, ठीक है। तो आज की वीडियो हम यहीं समाप्त कर रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।